क्या आपके होटल मैनेजमेंट कॉलेज आपके IHM अगस्त तक के लिए बंद हो चुके हैं। कल एक नोटिस आई है NCHM सिटी की तरफ से, जिस नोटिस को इस तरह से वायरल किया गया है सारे ग्रुप्स में, सभी जगह स्टूडेंट के थ्रू, कि वो जिस तरह से एक टिकटॉक का मीम होता है उससे भी कहीं ज्यादा वायरल ये हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स के पास हो चुका है। तो आप लोगों के मन में, और इस बार तो कंफ्यूजन में नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि हाँ अगस्त तक के लिए बंद है। तो अगस्त तक के लिए अगर आपके कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, आपके IHMs बंद हो चुके हैं, तो फिर जो स्टूडेंट अभी ऑलरेडी हॉस्टल जा चुके हैं या जिन्होंने अभी अपने हॉस्टल का फी पे कर दिया, उनका क्या होगा, उनके हॉस्टल के फी का क्या होगा, तो चलो इस वीडियो में पूरा क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटिस दिखा देता हूँ जो कि NCHM सिटी की तरफ से रिलीज किया गया था कल 12 अप्रैल 2021 को। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो ये नोटिस। इस नोटिस को गलत तरीके से वायरल करके काफी सारे स्टूडेंट का लॉस हो गया है। कितने सारे स्टूडेंट ने अपने टिकट कैंसिल करा लिए हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे IHMs हैं, एक्चुअली कुछ IHMs ऐसे हैं जो मई के फर्स्ट वीक में ओपन होने वाले थे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना टिकट रिजर्वेशन करवा लिया था, ट्रेन का रिजर्वेशन उन लोगों का हो चुका था कंफर्म। अब जैसे ही उन्होंने ये नोटिस देखा, बस सभी ने अपने टिकट को धराधर पूरा फटाक से कैंसिल करके हटा दिया है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ चुके हैं कि मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, अब मेरे को हॉस्टल नहीं जाना, मेरे को अब कॉलेज नहीं जाना है। रुको जरा, सबर करो, क्लियर हो रहा है सब चीज। सबसे पहले आप एक वन वर्ड आंसर समझ लो कि ये जो कल के डेट में जो 12 अप्रैल 2021 को ये नोटिस रिलीज की गई है NCHM की तरफ से, ये आपके लिए नहीं है। ये जो भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले हैं, जो भी BSc के स्टूडेंट्स हैं IHM से, उनके लिए ये नोटिस कतई नहीं है। अब किनके लिए है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ इसी वीडियो में। तो आप सबसे पहले आप समझ लो कि NCHM का एक इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नोएडा में है ये, जहाँ पे MSc की कोर्स ऑफर की जाती है होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये नोटिस वहाँ के लिए निकाली गई थी। आप यहाँ ध्यान से देख लो, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। और इस नोटिस को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप इस नोटिस को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिस में क्लियर किया गया है कि ड्यू टू न्यू आउटब्रस्ट ऑफ COVID-19 जो क्लासेस हैं, फिजिकली जो क्लासेस हो रहे हैं, उसको अगस्त के फर्स्ट वीक तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके क्लासेस नहीं होंगे। ये MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो NCHM IH होता है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे समझा रहा हूँ इसके बारे में, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो ये NCHM IH इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये NCHM का एक होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है जहाँ पे MSc का कोर्स ऑफर किया जाता है। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है कि उनके एंड टर्म का एग्जाम के बाद ही उनके जो कॉलेजेस हैं वो फिजिकली ओपन किए जाएंगे उन सभी के लिए। अब एंड टर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एंड टर्म वो होता है, जैसे सपोज के फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर होता है, तो उसमें अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देते हो तो वो आपका एंड टर्म एग्जाम कहलाया जाता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि हॉस्टल के लिए भी कुछ मैंने बताया था स्टार्टिंग में और इस नोटिस के अंदर भी है। तो हॉस्टल के बारे में ये बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना हॉस्टल का फी पे कर दिया था या जो भी हॉस्टल में रह रहे थे, उनको जल्दी से जल्दी अपने घर को जाने के लिए सारा तैयारी करना होगा, सेफली अपने घर जाना होगा जल्दी से जल्दी। अब जो उनका फी है वो क्या होगा, तो उनका जितना भी फी बच जाता है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के हॉस्टल के फी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो उनका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। इस चीज को इस नोटिस में क्लियर किया गया है। तो अब इस देखो, इस नोटिस को वायरल करने के लिए ना तो किसी स्टूडेंट की गलती है या कुछ भी नहीं है, ये किसी के तरफ से कोई गलती नहीं है। बस ये मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि आप कभी भी कुछ भी ऑफिशियल चीज पर भरोसा करो, जब तक आपके कॉलेज के ग्रुप में ना आ जाए, जब तक NCHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आ जाए, तब तक आप इन चीजों पर भरोसा मत करो। क्योंकि क्लियर तरीके से बताया गया है, इससे पहले भी NCHM का नोटिस आया था और सभी इंस्टीट्यूट को भी बता दिया गया है NCHM की तरफ से कि जब आपका जो लोकल सिचुएशन डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो IHM है सिर्फ एक जगह नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है, तो सभी जगह का जो लोकल सिचुएशन है, लोकल गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो डिफरेंट है, सब जगह का सेम नहीं है। उत्तराखंड का कुछ और है, बिहार का कुछ और है, महाराष्ट्र का कुछ और है, दिल्ली का कुछ और है। तो ये पूरी तरफ से क्लियर कर दिया गया NCHM की तरफ से कि जो भी डिसीजन लेना है एक IHM को, वो अब अपने स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो इसमें अब NCHM ऐसा ऑफिशियली मेरे को नहीं लगता है कि निकालेगा, और नहीं ही निकालेगा, क्योंकि लोकल गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके IHMs चलेंगे।
तो आपके IHM से, जो आपके पार्टिकुलर IHM से, जिस IHM में आप हो, जिस कॉलेज में आप हो, जिस आपकी एडमिशन है, तो वहां से जो नोटिस रिलीज की जाती है आप उस पर भरोसा करो, जो भी आपके फैकल्टीज शेयर करते हैं उस पर भरोसा करो। इस तरह के फेक न्यूज को, फेक न्यूज नहीं, इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन से आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उससे इस वीडियो में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर मैक्सिमम करो, जिससे लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। अगर आपके मन में हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो सीधा कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर कमेंट करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।